हाँ, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप BIA 3 में मेडल हैक कर सकते हैं। इस वीडियो में हमें दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक है लकी पैचर और दूसरा है APK फाइल एडिटर। यह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ से BIA 3 लोड करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, BIA 3 लोड हो रही है। अब हम BIA 3 की इंटरनल फाइल को लोड करेंगे, जो कि जैसे ही हम BIA 3 ओपन करेंगे वैसे आ जाएगी। जैसे कि अब आपकी स्क्रीन पे BIA 3 की इंटरनल फाइल आ रही है, 401 MB की। अब आप जैसे कि देख रहे हैं, 400 MB की फाइल लोड हो गई है। अब हमने वहाँ पे अपनी एज एंटर करी और अपना जेंडर एंटर करा। अब लोड होने के बाद हम जैसे कि देख रहे हैं कि स्क्रीन पर पहला मिशन स्टार्ट हो गया है। अब हम पहले मिशन को बैक करेंगे और गेम की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वहाँ पे जब हम गेम को स्टार्ट करते हैं तो जितने मेडल गेम शुरू में देती है उतने ही हैं, 20 मेडल। अब हम गेम को बंद करेंगे। गेम को बंद करने के बाद हम फाइल मैनेजर खोलेंगे। हमने सिस्टम का यूज़ करा है, आप और कोई कर सकते हैं, थर्ड पार्टी वाला। अब यहाँ पे हम एंड्रॉयड में जाएंगे, उसके बाद डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद हम BIA का डेटा फाइल को सर्च करेंगे, जो कि ये है, com.gameloft.android। अब हम इस फाइल को रीनेम करेंगे। इस फाइल के आगे ए लगाया है हमने, बट आप कुछ और भी लगा सकते हैं। अब ये फाइल ऊपर आपको शो हो रही है, सेव हो गई है। अब हम बैक होकर गेम को डिलीट कर देंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे। गेम को अनइंस्टॉल करने के बाद हम mod apk में जाएंगे। उसके बाद हम mod apk को इंस्टॉल करेंगे अपने डिवाइस में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम mod apk इंस्टॉल हो चुका है। अब mod apk को ओपन करना है। ओपन करते समय हमें इसके भी डेटा फाइल को डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि 700 कुछ MB की है। जब ये डाउनलोड हो जाए तो फिर इसको ओपन करके विजिट पे क्लिक करना है। विजिट के बाद कैंसिल करना है और जैसे गेम लॉफ्ट लिखा हुआ है अपना नेट क्लोज कर देना है। अब अपनी एज को एंटर करना है गेम में, जैसे कि प्रोसीजर है। गेम एंटर होने के बाद हमने पहला मिशन यहाँ पर नहीं खेला, बट आपको खेलना है तो आप खेल लेना। ऊपर से नीचे स्लाइड करके गेम को बैक करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसा कि आप अब देख रहे हैं, हमने ऊपर से नीचे स्लाइड करा, अब गेम को बैक करने का ऑप्शन आ गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ब्रदर इन आर्म्स का ओल्ड वर्जन है। अब हम नेट ऑन कर देंगे और अब ये कनेक्ट हो रहा है नेट से।
कनेक्ट होने के बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे परचेज हो रहा है इजीली, बट अभी भी एक और प्रोसेस रह चुका है गेम मेडल हैक करने के लिए। जैसे कि अब हमने गेम बंद कर दी है, अब हम फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे। उसका पर्पस ये है कि हम इस गेम का डेटा को सेव कर लें। ओबीबी फोल्डर में जाना है, वहाँ पे गेम लॉफ्ट का डेटा होगा, उसको सेव करना है। सेव सेम प्रोसेस से करना है कि उसके रीनेम करना है उसके आगे ए लगाकर। इसके बाद हमें लकी पैचर का इस्तेमाल करना है। अब हम लकी पैचर को खोलेंगे, ओपन मेन्यू ऑफ पैचेस खोलना है, फिर एपीके विदाउट लाइसेंस को करना है, फिर रीबिल्ड द ऐप करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी फाइल अब रेडी है। अब इसी फाइल को हमें अनइंस्टॉल और इंस्टॉल का ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि अब हमारी ये फाइल इंस्टॉल हो चुकी है, अब हमें सिर्फ डन पे क्लिक करना था। अब हम ओल्ड वर्जन की फाइल पर जाना है। अब हमें ये याद रखिएगा, अब हमें ओल्ड वर्जन की फाइल पर जाना है जो कि हमने अभी ओबीबी फोल्डर में सेव करा था। वहाँ पे जाने के बाद हमें उसे दोबारा से रीनेम करना है जो कि वो पहले जैसा था, ए को हटा देना है। ए को हटाने के बाद हमें होम स्क्रीन पे आना है और उस गेम को ओपन करना है। अब गेम इंस्टॉल हो रही है, सेम प्रोसेस है, विजिट पे क्लिक करके कैंसिल करके नेट ऑफ करना है। नेट ऑफ करना जरूरी है, याद रखिएगा। अब दोबारा से हम मिशन पे बैक आ जाएंगे, मिशन नहीं खेलेंगे हम। अब दोबारा से हमें नेट ऑन करना है। वाईफाई का यूज़ करेंगे तो वो अच्छा है नेट से, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। अब हम मेडल के स्टोर में जाएंगे और जितना भी क्वांटिटी हमें परचेज करनी है वो हम परचेज करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम परचेज कर रहे हैं मेडल। मे बी सर्वर की वजह से ये हो सकता है कि हमने जितनी क्वांटिटी परचेज करी है हमें उससे कुछ कम मिले, बट ऐसा नहीं है कि हमें नहीं मिलेंगी, हमें मिलेंगी। मे बी हो सकता है 2 लाख हमने परचेज करे बट हमें 45,000 मिले। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3,25,000 हमने परचेज करे। अब हमें एपी के एडिटर को खोलना है, फिर उसमें सेलेक्ट एपी के फाइल करना है जो कि ओरिजिनल ब्रदर इन आर्म्स का एपी के है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको हमें एडिट करना है कॉमन एडिट पे क्लिक कर कर। कॉमन एडिट के बाद यहाँ पर
जाना है, और यहाँ पर इंटरनल ओनली पे जाना है, फिर उसको सेव कर देना है, देन इंस्टॉल करना है इस फाइल को। फाइल का इंस्टॉल होने का थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हो गई, अब हमें होम स्क्रीन पर आना है, फिर फाइल मैनेजर में जाना है। अब जो हमारा न्यू वर्जन है उसकी फाइल को रीनेम करना है पहले में। जैसे कि आप देख रहे हैं हम डेटा में गए, तो यहाँ पर जो हमने सबसे पहले फोल्डर को रीनेम करा था उसको दोबारा से रीनेम करना है, ये हटाना है। बट इसी की तरह एक और फोल्डर बना हुआ आएगा इसके नीचे, उसको आप डिलीट करना है, वो ऑटोमेटिकली बना हुआ आएगा। इसको अब हमने डिलीट कर दिया, अब हम उसको दोबारा रीनेम करेंगे और अब वो इजीली रीनेम हो जाएगा। रीनेम के बाद हमें अपनी बस गेम को ओपन करना है और देखना है कि मेडल आए या नहीं आए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाई हो रही है हमारी डेटा फाइल जो कि हमने रीनेम करी है। और ये प्रोसेस विदाउट रूट है, इसमें हमें अपने डिवाइस को रूट करने की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। जैसे कि आप अब देख पा रहे हैं हमारी होम स्क्रीन खुलने वाली है गेम की, और यहाँ पर 85,000 मेडल आ चुके हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 85,000 मेडल आ गए हैं। बस ऐसे ही करते जाइए। आज हमने आपको बताया BIA 3 में मेडल्स कैसे हैक करते हैं। आगे और भी इसी प्रकार की वीडियोस आती रहेगी, बनती रहेगी, आपको हम बताते रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मुझे पूरी उम्मीद